much you guys came here for me. I love you all. तैयारी मेरी 110%. So I'm always ready to perform. Stage is my life. और माइक के बिना मैं जी नहीं सकता. और बाकी आप देखोगे. रविंद्र, जानना चाहूँगा आपसे कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है पंजाबी म्यूजिक, क्या कहते हैं कि आज के दौर में जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनको कितना ज़्यादा ऑडियंस कर रही है, अट्रैक्ट कर रहे हैं? पंजाबी पॉपुलर हो रही है, मुझे लग रहा है मतलब इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और कोई नहीं है. और आप लोग भी बहुत अच्छा समझते हो हमारे म्यूजिक को. और मैंने लगता कि साढ़े पंजाबी हर थान से होंगे तो पंजाबी सलाम तो वो असं काम करते हैं. सो दैट्स वाई आई एम स्पीकिंग इन पंजाबी. तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतना सुनते हो. एंड राइट नाउ यू आर इन मुंबई एंड मुंबई इज नोन फॉर बॉलीवुड. तो इज इट स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री? क्या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के तौर पे जो आप कामयाबी हासिल करते हैं वही काफ़ी आपके लिए? बॉलीवुड इज अ बिग प्लेटफॉर्म आई थिंक. और इसके बिना कि इंडिया का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, एक नॉर्थ वाला आर्टिस्ट तो नॉर्थ का रह जाएगा अगर बॉलीवुड ना हो. तो बॉलीवुड होना ज़रूरी होता है कि अगर आपको सारा इंडिया कैप्चर करना है तो बॉलीवुड होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड व्हाट इज द फर्स्ट फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट फॉर कमिंग विद? सॉरी, फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट फॉर कमिंग विद? फोर्थकमिंग नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग सुरमा. तो मैंने ऑलरेडी एक एल्बम की थी, ईपी की थी चार गानों की, उसका अगला वीडियो आ रहा है सुरमा. Also, you know, जो भी गाने होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादातर यूज सुनते हैं गाने को, तो क्या करते हैं इस बारे में जो गाने होते हैं बिसाइड बीइंग रोमांटिक एंड बिसाइड बीइंग अदर सब्जेक्ट, सोशल होना बहुत जरूरी होता है? सोशल होना जरूरी था. हर गाने का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक होता है, गाने के हिसाब से होता है. तो कोई गाना सोशल होता है, कोई गाना मतलब लड़की बेस्ड होता है, कोई गाना लड़की के बारे में होता है. सो एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट. जब आपको ऐसा लगा कि अब मुझे सिंगर बनना चाहिए? आई वॉज इन माई MBA और मैंने वो कंप्लीट की तो मेरा लास्ट सेमेस्टर था जिसमें मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया था. बचपन में गाता था और MBA के बाद में जब मैंने MBA में गाया, एक लास्ट सेमेस्टर में गाया, तो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी हूटिंग हुई. तो मेरे को था कि एक बार मेरे को गाना रिकॉर्ड करना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई डिड. आप अपनी सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने एल्बम की थी? मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, मतलब गाना था मेरा वक्रा सोया और फर्स्ट परफॉर्मेंस थी FBAR में दिल्ली में. और उसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है? हाँ, अवार्ड मेरे को मिले सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट आई थिंक एक दो और थे मैं भूल गया. तो आपने अपने आगे के करियर के बारे में क्या सोचा? आपको सिंगिंग लाइन में आगे और क्या करना है या बॉलीवुड के अभी में जाना चाहते हैं? एक आध तो पंजाबी मूवी कर रहा हूँ और गाने तो आते नहीं है, वो तो हमारा काम है. सर, व्हाट इज अबाउट हार्डी बॉयज हु हैव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट फॉर यू, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि बड़े अच्छे कोऑपरेटिव बंदे हैं और नया नया काम शुरू किया है उन्होंने. तो आई विश देम लक और छा जाओ. टू लाइन ऑफ योर फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट गाना है योर्स या एनीथिंग? ओ बणदी है कैंट जट्टी तू भी फैशन ने पट्टी चुकी फिरे आल्डो दा बैग नी, आजा दसा तेन सोनी इनी फैशन की हुंदा तेरे यार ना दा वखरा स्वैग नी. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम रीडिंग टी नेशन मैंने और पहले भी आपने विजिट किया है? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम. ओके, सो हाउ इज रेडी आर यू परफॉर्मिंग लाइव? लेट्स सी. हां, क्या बनता है. देन टू प्लीज थोड़ा साइड हो जा प्लीज. इधर एक सेकंड पूछ रहा हूँ. डन, थैंक यू.